सो भाई हम आ चुके हैं उस चमत्कारी वृक्ष के पास। देख सकते हैं मेरे पीछे है। नमस्कार दोस्तों, जैसे भाई आज हम चले हैं किंतूर गांव, जो कि वहाँ चमत्कारी वृक्ष है, जो कि उसे पारिजात वृक्ष नाम से भी कहते हैं, जो कि उसे छूने से ही मात्र थकान दूर हो जाता है। और वो महाभारत के समय का है वृक्ष, जो कि 7100 वर्ष पुराना वृक्ष है, जो कि वहीं हम चल रहे हैं। और अपने इंडिया में वो एक लौता वृक्ष है, जो कि वहीं चल रहे हैं, जो कि उसमें फूल तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते, ऐसा सभी लोग कहते हैं। मैं पहली बार चल रहा हूँ तो वहाँ चलकर ही पता चल गया कैसा है कैसा नहीं, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा रहेगा। तो भाई वीडियो को पूरा देखेगा। सो भाई हम आ चुके हैं उस चमत्कारी वृक्ष के पास। देख सकते हैं मेरे पीछे है, जो कि इसमें फूल तो नहीं है ना पत्तियां हैं, ऐसे ही है, जो कि देख सकते हैं काफ़ी अद्भुत पेड़ है। जैसे कि भाई मैंने कहा था कि इसे छूने से ही मात्र थकान दूर हो जाता है, तो वृक्ष के पास पहुंचना मुश्किल है। देख सकते हैं सब घेराव किया गया है, सब घेराव किया गया है, तो पहुंचना तो मुश्किल है। ऐसे ही देख सकते हैं काफ़ी अद्भुत पेड़ है, जो कि देख सकते हैं आप भी लोग, जो कि एक किंतूर गांव में है। और इस साइड में भोले शंकर का भी मंदिर है, जो कि इस साइड में देख सकते हैं। सो भाई अभी हमें उसी वृक्ष के पास, तो अभी चलते हैं घर। और हमने देख भी लिया और यहाँ प्रसाद भी चढ़ता है, जो कि उस साइड में मंदिर है, जो कि वहाँ प्रसाद भी चढ़ता है, हमने प्रसाद भी चढ़ाया। सो अभी चलते हैं घर और इस वीडियो करते हैं यहीं पर स्टॉप। सो भाई वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक लिए टाटा बाय बाय।